हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग रियली फाइन। तो आज जो आप वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपने गोप्रो से। नॉर्मली मैं फोन से करता हूँ, बट आज जो है ये वीडियो जो है थोड़ा सा होने वाला अलग, क्योंकि मैं आज के वीडियो में बिल्कुल भी बाइक नहीं चलाने वाला हूँ। क्योंकि आज का दिन जो है ना, बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए। टुडे इज़ माई वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज के लिए ना, मैंने जो है मेरे वाइफ के लिए, फैमिली के लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज़ प्लान किया है। तो उनको अभी तक कुछ पता नहीं है, उनको बस मैंने ये बोला कि चलो रेडी हो जाओ, निकलना है कहीं। आप लोग तो समझ चुके होंगे अपना थंबनेल देख के, बट उनको अभी तक कुछ पता नहीं है। तो सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, बस नीचे कैब आएगा और निकल जाएंगे हम लोग। चलो मिलते हैं। शांति से सो जाओ, कोई काम नहीं है अभी, तुम भी सो जाओ, फिर जब उठोगे तो मज़ा आएगा। हाँ लगेगा, अभी एक घंटा तो लगेगा, ट्रैफिक है ना। जब जाएंगे तब पता लगेगा। और एक और वो है, मतलब क्या कुछ सामान है मेरे पास अभी, थोड़ा बहुत ना इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा जाके, ठीक है। जाने के बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो खुद से कर लो, नहीं तो मैं हेल्प करूंगा। क्या है, क्या वो थोड़ा वो होता है ना, ब्लाइंड फोल्डेड करने के लिए। इतना कुछ है, हंसी दे। न्यूज़ से निकले पहले। पापा न्यूज़ में घुसे हुए हैं। तो ये कि तू घुसते पाछो कहां जा रहे हैं हम लोग, क्या सरप्राइज है? एयरपोर्ट ही अच्छा। प्लेन नहीं खरीदना पापा। साथ को गांव का आना। सब्र का फल मीठा होता है। इतना भी मीठा है? बाप रे, यहाँ से तो दूर हो गए इतने। चलो देखते हैं कितना मीठा होता है ना। कहाँ है, रोड पे रोक दोगे क्या? मतलब एकदम हाँ, बस रोड पे रोक देंगे, ज़्यादा दूर है नहीं अब। तो पैदल पैदल जाएंगे और क्या। आपके लिए भी वही है। बोलते हैं इधर ही, जैसे मम्मी को सब पता है। इधर ही रोक दो लेफ्ट में। बिरयानी सॉस खरीद लिया क्या? यार को आ रहे हो किधर? इधर। हाँ इधर ही रोक दो। ऑल सेट, ऑल सेट। यस, करो इसका इस्तेमाल। यार मैं आँख बंद कर लेती हूँ, यार मैं गिर गिर जाऊंगी। तो मैं पकड़ के ले जाऊंगा ना, वो बंदा कहाँ है अपने, अंदर है। ऐसे लगा लेते हैं ना। लगेगा, लगाओ ना आराम से, लेके लगा के लेके जाएंगे। खराब हो जाएगी, बाल खराब हो जाएगा। अरे तू मत कर, तू मत कर, मम्मी पापा को करते हैं, तू मत कर। हां ठीक है, तेरे लिए एग्जामिनेशन है, एनिवर्सरी है ना। सब रेडी हो रहे हैं, अभी मजा ही आएगा, अभी देखना। आपको देखा भी ना आगे से के सामने से कुत्ता है उठा। देखो यार देखी ना बात, देखो हालत नीचे तक। चीटिंग हो गया ना भाई, नो चीटिंग। ए बाप रे, तुम डाकू से जो ना बात, डाकू मत बनो, निश्वास नहीं बता दिए। हाँ चलो चलो, हमें आसी चलो, मैं भी उधर।
बड़े बड़े देखने चलो बोलो तारा इतना चिंता नहीं पड़े सब लोग ऐसे देख रहे हैं ना कि इसको हुआ क्या तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है पहुंच चुके हैं चलते हैं अंदर इनके लिए जो है बहुत बढ़िया से सरप्राइज होने वाला है किसी को कुछ पता ही नहीं अभी पापा को देखो हालत पापा की हालत देखो थोड़ा तो बोल देगा ना सांस कहाँ से लेगा मम्मी आ रही है अभी अंदर आके बांध के हाँ सीढ़िया से आस्ते आराम से आओ आराम से आओ शकल देख रहे आराम से आना ठीक एक और है फिर एक और है एक और उसके बाद एक नाइस परफॉर्मेंस एक कदम चलो हां एक और हां बस खत्म चलो अब सीधा चलो अब देखते हैं रिएक्शन सो द सरप्राइज इज दिस वन देखते हैं अब क्या है अंदर चल चलो ओपन चल आप खोल दो ना खुद खोल दे अरे ये क्या बताओ ना कुछ रिएक्शन आ नहीं रहा अभी समझ में आ नहीं रहा कुछ ये खोलो सही से बाल ठीक ऑल गुड ये इतनी बड़ी सरप्राइज चलो हाय ब्रो हेलो थैंक यू फॉर कमिंग कांग्रेचुलेशंस थैंक्स भाई बढ़िया से मैनेज किया होगा चलो करें चलो हो गया ना सारा प्रोसेस जो हो गया ना ओके कम शकल देखो कांटा धरे नहीं शकल देखो चलो क्या कौन सी उठा के पता लगेगा हाँ अच्छा चलो चलो हैप्पी तो एम के कादबो ना हंसबो इस तो अच्छा तो हंस रहा क्यों रहा पता नहीं सब लोग ना शॉक थे एकदम ना कुछ बोल रहे ना कुछ समझ रहे ये तो हम लोगों ने कब प्लान किया इतना बता नहीं सकता कैसे जो सोच रही थी वो ना हो ये सोच रही वही है गेस करो कौन सी है गेस जब उठाओगे तब पता लग जाएगा तू गेस विच वन कौन सा है गेस करो हुंडई की है ट्वेंटी हिंडई ओके देखते हैं गेस करो विच वन कौन सा वाला है गेस स्पेल बाउंड है अभी अच्छा अच्छा इधर आओ ना 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा तो बैठते हैं तो हमने जो है प्लान किया था मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन सो इतना टफ था ना ये 10 दिन हमारे लिए मतलब इतना बड़ा सीक्रेट जो है इसको सीक्रेट रखना ऊपर से इतने सारे डिस्कशन इतने सारे बातें तो इट वाज रियल टफ बट फाइनली वो दिन आ गया आई एम रियली हैप्पी कि मतलब ये फाइनली हो पाया इतना प्लानिंग के बाद एंड एवरीबडी इज सो हैप्पी सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एग्जैक्टली 12:40 पे जो है हमें डिलीवरी लेना है क्योंकि मुहूर्त का सीन है ना तो सब लोग वेट कर रहे हैं लेट्स गो चलते उधर जी बताइए यहाँ पे चल रहा है फोटोग्राफी अलग से कैमरामैन अलग से लाया हम लोग फ्री का है पेड नहीं है तो बताओ हाउ इज द फील कैसा लग रहा है हेलो फाइनली तो इतना भावी नहीं ना मुझे जिस बात का डर था सरप्राइज शुड बी अनएक्सपेक्टेड इतनी दूर क्यों बोला आसपास का शोरूम नहीं मिला जो पसंद आएगा दूरी होगा ना ऐसा कर लिया है तो कहीं और नहीं मिला देखते हैं तुम्हें क्या लगता है ज्यादा छोटी भी तो नहीं लग रही है बहुत बड़ी है इस बंदे ने बहुत मेहनत किया है भाई सुबह से लेके इसने भी थैंक्स ब्रो सिट बैठना हाँ बताओ
पता नहीं किस चीज का चल रहा है फोटोग्राफी बट मस्त चल रहा है हैप्पी ना তবে আমি আরেকটু অন্যরকম ভেবেছিলাম কি রকম বলবো না শুনি একটু ঠিক আছে তুমি যেমন আমাকে বলনি হ্যাঁ হ্যাঁ ও বিবে সবাই তো কিউ কে বল রই কোন স্যার ঘর এসা কো সোচ রই মানে তো সোচ রই তুমি লেভেল অফ এক্সপেকটেশন না না সে বাহা গলি কো তক কে বাত তো মানে ভি ইয়েই সোচা থা अब करते फाइनली इसका घूंघट उठाते हैं चल अब तुम उठाओ फिर तुम तीनों खड़े हो जाओ हम लोग बैकअप का कैमरा रहेंगे तुम भी आओ ना यार चलो ना नहीं 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 आ जाओ चलो चलो इधर आ जाओ भाई चलो रेडी रेडी 1 2 3 बढ़िया यार ये सेलोटेप लग गया इस पे So this is the car. बताओ यार आप लोग कैसा लगा आप लोगों को आई होप कि मस्त लगी होगी तो बस अपनी गाड़ी अब निकल गई है बाहर और अब चलेंगे हम लोग यहाँ से प्लान ये है कि हम लोग चलेंगे एक रेस्टोरेंट पे जहाँ पे सीट बुक है फिर वहाँ से हम घर चलेंगे क्योंकि पार्टी तो बनती है ना भाई तो भैया ने बाहर निकाल दिया अब मेरा जो फ्रेंड है वो ड्राइव करेगा हम लोग चलेंगे भाई तू बाइक नहीं अश्वी की भाई जो अपना बाइक लेके आया है अब रो मत यार खुशी की चीज़ें रोते हैं क्या चल चलो आ जाओ गेट इनसाइड चलो क्या अरे गंदी होने दे होगा गंदी चलो आ जाओ चलो तू हमारे साथ साथ ही आशीष किंतु है यू नो द रेस्टोरेंट लोकेशन आई विल सेंड यू चलो ऑल सेट चलो भाई चलते हैं बस हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट अब खाना वाना खाएंगे फिर जो है निकलेंगे घर के लिए तो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और यहाँ पे खड़ी है अपनी न्यू कार तो हाँ आई नो वीडियो थोड़ा छोटा था क्योंकि हम लोग वहाँ से गए रेस्टोरेंट पे फिर लंच किए फिर अभी जस्ट पहुँचा हूँ घर पे तो अभी शाम को लेके जाना है इसको पूजा कराने के लिए फिर हम लोग देखते क्या होता है आगे ट्रिप तो बनेगी अब सिर्फ बाइक नहीं अब कार से भी ट्रिप बनेगा तो देखते हैं कैसे कैसी लग रहा है एवरीवन इज हैप्पी मॉम डैड भी इतना हैप्पी था ना आई होप आप लोग समझ चुके होंगे वीडियो देख के भी तो अगर वीडियो अच्छी लगी ना एक लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करता हूँ थोड़ा छोटा वीडियो था थोड़ा रॉ वीडियो था तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय दिस इज एनी बाय बाय